भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। और हमारे बीच मुंबई उपनगर के मंत्री पालक मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी का भी स्वागत हो गया। उनका जोरदार तालियों का स्वागत है जिनके फंड से काम होने जा रहा है। कैप्टन साहब आए उधर घूमने के लिए। हाँ सर, बहुत 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 सुपर। अभी मैं कृपया आपके सामने वो अपना मनोगत रखे। धन्यवाद। भारत माता की वंदे। पीयूष गोयल जी जिनका हाथ सर पे आता है तो वो बड़ा भारी होता है और वो तेजिंदर के सर पर बार बार आता है। ऐसे हमारे पालक मंत्री जी ने कार्यक्रमों की श्रृंखला लगा दी है। इसके पहले भी हमने थी कि छोटी संकरी गलियां शाम के बाद में कुछ लोगों का एक आतंक का राज, यह मलाड की पहचान थी। और मुझे याद है कि हमने यह कहना प्रारंभ कर दिया था कि मलाड की पहचान वो नहीं होगी, मलाड मलाड ही रहेगा और मलाड की पहचान हम बदल के रहेंगे। दूसरे को धक्का देते उसी ट्रेन में चढ़ते चढ़ते आज ट्रेन हार्बर लाइन यहां पर आने वाली है। स्टेशन का मॉडिफिकेशन शुरू हो चुका है। शायद 10-15 साल के बाद में जो मलाड देखने आएगा वो कहेगा मैं कहीं दूसरी जगह तो नहीं आया। और जो मुंबई का काम आगे बढ़ा है तो पीयूष गोयल जी का भी उसमें बड़ा हाथ है। अब समय बदल चुका है लेकिन ये नए भारत की जो तस्वीर बनने वाली है जिनके नेतृत्व में बनेगी वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं मोदी जी और उनके कंधे से कंधा मिलाकर मंत्रिमंडल में काम कर रहे हैं तो वो भी पीयूष जी कभी तो फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में और शायद वक्त की बात में इसका जिक्र भी करेंगे कि कोरोना के समय जब पूरी दुनिया पर संकट था और ये बात कहते थे लोग कि भारत इससे कैसे बचे। बोलो आपकी बार, आपकी बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों से हम आदरणीय गोपाल जी साहब का स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की वंदे। भारत माता की वंदे। वंदे। श्री लोढ़ा जी का स्वागत। मुंबई के श्री गोपाल जी का स्वागत। मीनाक्षी कवल जी और दीपक सिप्पी जी। श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी का स्वागत हमारे मुंबई के अध्यक्ष श्री तेजिंदर सिंह टिवाना जी करेंगे। भारत माता की वंदे। श्री गोपाल जी का स्वागत मीनाक्षी कवल जी और दीपक सिप्पी जी करेंगे।
भारत माता की वंदे। हम सभी के बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और हम सभी के लिए उत्तर मुंबई के नरेंद्र मोदी ऐसे आदरणीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, हम सभी के बीच में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक उद्यान सम्राट जिन्होंने पिछले कई वर्षों से मेरे जैसे युवाओं को प्रेरित किया, मार्गदर्शन दिया, ऐसे हमारे आदरणीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी, एक टीचर की तरह जिन्होंने पूरे मुंबई के युवा मोर्चा को एक प्लेटफॉर्म देते हुए, मार्गदर्शन देते हुए हमें प्रेरित किया, ऐसे हमारे नेता आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, मंच पर उपस्थित इस जिला के सभी हमारे सम्माननीय पदाधिकारी साथियों, आज का सही मायने में इस प्लेग्राउंड के डेवलपमेंट के दिशा में जो हम चल रहे थे उसमें सही मायने में श्रेय अगर किसी व्यक्ति को देना चाहिए तो हमारे सांसद श्री गोपाल शेट्टी साहब को देना चाहिए। मैं स्वयं एक भारतीय जनता पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता के नाते पिछले कई वर्षों से मैं काम कर रहा हूं, लेकिन जब तक आप गोपाल जी जैसे एक नेतृत्व के साथ काम नहीं करेंगे और सीख नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं आज इस राह पर, इस दिशा में आप कभी नहीं चल पाएंगे। वो मैंने सीख आज इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। साथियों, गोपाल जी ने अपने जीवन में लोगों के लिए कार्य किए हैं। कई ऐसे उद्यान, खास करके पिछले 10 दिनों में मलाड को जो सौगात दी है, वो महाराणा प्रताप उद्यान जो 10 मार्च को आपके समक्ष जो समर्पित किया था, लोकार्पण किया था, उसमें 8 विविध युवाओं के लिए खेल, जो देश का भविष्य मेरे सामने बैठा है, उनके लिए चाहे फुटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, ऐसे 8 विविध खेलों का एक सुंदर मैदान मलाड करो को समर्पित किया है। उसके साथ साथ मालवनी जिम खाना, एक 7000 फुट का बड़ा जिम खाना, उसके साथ में एक बड़ा मैदान उसका निर्माण किया है। ये सभी इतने ही उत्साहित हैं जितने कि हम मंच पर नेता हो गए। ये मैदान में पहले ऐसे सैकड़ों लोग बैठकर, अज्ञात लोग, कभी शराब का सेवन करते थे, कभी अमली पदार्थ का सेवन करते थे, लेकिन आज इस भूमि पूजन के माध्यम से आदरणीय पीयूष गोयल जी के हस्ते ये मैदान का काया पलट होने जा रहा है, जिसका लाभ हम सबको, हमारे बच्चों को, हमारे भविष्य को मिलेगा। साथियों, ये अब की बार 400 पार का ये नारा किसी पार्टी का नहीं है, किसी संगठन का नहीं है, ये नारा सही मायने में है तो प्रत्येक भारतीय के उज्जवल भविष्य का नारा है। ऐसे दो नेतृत्व को देख रहा हूं, कई वर्षों से मैंने भी काम किया है, कई वर्षों से मैंने नेताओं को भी देखा है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारत में मोदी जी की सरकार और महाराष्ट्र में आदरणीय देवेंद्र जी और शिंदे जी की सरकार डबल इंजन स्पीड में काम कर रही है, उसी तरीके से आदरणीय पीयूष जी और आदरणीय गोपाल जी की जोड़ी, वो भी डबल इंजन स्पीड में उत्तर मुंबई का विकास करेगी। साथियों, उत्तर मुंबई का विकास करेगी। हमारे आदरणीय नेता मंगल प्रभात लोढ़ा जी का मैं खास करके आप सभी रहवासियों के माध्यम से दिल से अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं कि अगर
वो मेरे जैसे एक युवा नेता को प्लेटफॉर्म नहीं देते और जिला नियोजन समिति यानी कि डीपीडीसी का मेंबर नहीं बनाते और हमें ये ग्राउंड डेवलप करने के लिए फंड नहीं देते, तो आज इतनी खुशी और इतनी उत्साह का हमें मौका नहीं मिलता। इसलिए मैं आदरणीय लोधा जी का भी आप सभी की ओर से दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने आज बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहे और आपने इस कार्यक्रम की शोभा बनाई, और खास करके हमारे तीनों नेतागण आदरणीय पीयूष गोयल जी, सम्माननीय गोपाल शेट्टी जी और आदरणीय हमारे मंगल प्रभात लोधा जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आज इस मंच पर उपस्थित है। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं श्री तेजिंदर सिंह तिवाना जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आपके सामने और आपका मार्गदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई मतदार संघ से आने वाले दिनों में भारी मतों से जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले पीयूष गोयल जी, हम सबके जाने माने ऐसे जैनों का नेता कहिए, भारतीय जनता पार्टी का नेता कहिए, मलबार हिल का विधायक कहिए या तो फिर पालक मंत्री कहिए, ऐसे मंगल प्रभात लोढ़ा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष गणेश खंडकर, मंच पर बैठे हुए सभी पार्टी के पदाधिकारी और जिन्होंने विशेष करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया, ऐसे हमारे युवा नेता तेजिंदर तिवाना और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी नगरजन भाई और बहनों, मैं आप सभी की ओर से और हम सभी की ओर से पीयूष गोयल जी को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। वो इस कार्यक्रम में आज आए और आने वाले दिनों में हम सबका वो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। उत्तर मुंबई में जैसे तेजिंदर ने कहा है, बहुत सारा काम नगर सेवकों के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से, मैं सांसद करके मेरे माध्यम से जो भी मैं कर पाया उसको करने का प्रयास किया, और जितना मैंने किया उससे ज़्यादा प्रेम आप सब लोगों ने मुझे हमेशा दिया, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। मैं यहाँ पर बहुत बार तो नहीं लेकिन निश्चित गए बार भी जब मैं आया था तो इस ग्राउंड का डेवलपमेंट के बारे में ही बातचीत हम लोगों ने की थी। मैं आज गर्व महसूस करता हूं कि इसका हम भूमि पूजन कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी इसका उद्घाटन का कार्यक्रम भी हम करेंगे। इस कार्यक्रम में आया हूं, थोड़ी सी देरी हुई इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं अपने भाषण को अधिक न करते हुए हम मंगल जी को और पीयूष जी को सुनेंगे। अधिक इसलिए भी नहीं करूंगा कि मंगल जी पालक मंत्री है, मंगल जी बहुत सारा पैसा मुंबई के लोग तो देते हैं लेकिन हमारे उत्तर मुंबई के लिए बहुत उन्होंने दिया है। मैं गलती से थोड़ा भाषण का लंबा कर दूं और उनका मूड खराब हो जाए तो फिर फंड नहीं मिलेगा, इसलिए मैं मेरा भाषण को कम करता हूं और चाहूंगा कि मंगल जी विस्तृत में भाषण करें और हम सबके ऊपर कृपा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत पीयूष गोयल जी के बारे में, पीयूष गोयल जी के बारे में हम सब भाग्यवान है और इस मुंबई शहर के लिए ये गोयल परिवार ने जो काम किया है उसका कहीं ना कहीं ऋण अदा करने का बाकी था। बहुत सारे लोग पूछेंगे पीयूष गोयल जी क्यों इधर आए, तो मैं आपको बताऊं, मुंबई शहर में भारतीय जनसंघ को जब काम करने के लिए लोगों ने प्रारंभ किया तो मुंबई शहर में, वैसे हम सबको मालूम है कि 20-30 साल पहले अगर कोई सोसाइटी में एक आधा का गाड़ी हुआ तो उसको सेठ माना जाता है, आज तो हर घर में 2-3 गाड़ियां हैं। लेकिन उन दिनों में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर है उसमें से किसी के पास गाड़ी थी तो दो लोगों के पास थी, एक पीयूष गोयल जी के पिताजी के पास और एक कोई व्यक्ति के पास, तो जमटवल वाधवानी जी, ऐसे दो लोगों के पास गाड़ी वहाँ करती थी। अटल जी आडवाणी जी जब भी आते थे मुंबई शहर में तो उनको लेने के लिए इनके पिताजी और इनके पिताजी काम का नहीं कंपनी का नाम मुकुंद आयन स्टील में मैनेजर के तौर पे बड़ा पोस्ट पे काम करते थे। ये मैं बात इसलिए बताता हूँ, हम जैसे लोगों ने राजनीति की समस्या का अभाव के लिए, लेकिन इनके पिताजी ने काम इसलिए किया इतने बड़े पोस्ट पर होने के बावजूद भी कि मुंबई शहर में भारतीय जनता पार्टी बढ़े, बराबर है। और इतना लंबा सेवा करने के बाद में मैं और एक बात बताना चाहूँगा, कोई बाप मेरा लड़का नहीं पॉलिटिक्स में काम करता है,
कोई इतना बड़ा व्यक्ति का पिताजी राजनीति में काम करता होगा और ऐसे भी ऐसे पार्टी में जिसको बंजर जमीन पे खेती नहीं उगती ऐसा लोग कहते हैं, जनसंघ के नजदीक कोई नहीं आता था, पिताजी के साथ में उन दिनों से काम करते थे, उन दिनों से पीयूष जी का वो हाफ शर्ट और इन शर्ट करने वाला पैंट भी मुझे आज भी याद है। ऐसा काम करते करते पार्टी ने भी बहुत सम्मान किया, पार्टी ने उनके पिताजी को मंत्री बनाया, इनको बहुत पहले से ही ले लिया और आज मोदी जी के साथ में तीसरे नंबर पे इनका नाम आना ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है, ये हम सबके लिए बहुत। माताजी एमएलए थे, उन्होंने भी बहुत काम किया मुंबई, इतना बड़ा त्याग तपस्या इस मुंबई शहर के लिए ये परिवार का रहा है, इसलिए मैं आप सब दुखी होंगे लेकिन मुझे बहुत दुखी मैं बिल्कुल नहीं हूँ और मैं हल्का इसलिए हुआ हूँ कि मुझे रिप्लेस करते समय एक दर्जेदार कैंडिडेट को पार्टी ने यहाँ से उतारा है, एक दर्जेदार कैंडिडेट को पार्टी ने उतारा है। पीयूष जी को बहुत भारी मतों से हम जीतकर दिल्ली भेजेंगे, ये भावना व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो फॉरेस्ट गार्डन है इतना बड़ा, मुंबई का वन ऑफ द बेस्ट फॉरेस्ट गार्डन जो अब्दुल कलाम आजाद जी के नाम पर है, तो वो गार्डन में एक बहुत ही भव्य ऐसे गजेबो हरकस के सीनियर सिटीजन के लिए, ये भी आदरणीय गोपाल शेट्टी जी के माध्यम से बना है। ये बाहर का रोड, लोग जब पहले के नगर सेवक यहाँ पर जनप्रति बनाने को नहीं तैयार थे, फिर जया तिवाना जी ने सभी लोगों की समस्या सुनकर यहाँ पर इंटरफेस हाइट्स के लिए खास करके रोड का निर्माण करके दिया महानगर पालिका के फंड से, तो मैं आप सभी जनप्रतिनिधियों का दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आदरणीय पीयूष जी का, जब भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषणा किया गया कि उत्तर मुंबई के प्रत्याशी ऐसे आदरणीय पीयूष गोयल जी हो गए, तो उनसे प्रेरित होकर आज उत्तर मुंबई कांग्रेस के महासचिव सूर्यकांत शर्मा जी और उनकी पूरी टीम आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं पीयूष जी का साथ देने के लिए, उनको उत्तर मुंबई से विजय बनाने के लिए। तो मैं निवेदन करूंगा कि सूर्यकांत शर्मा जी, अजय वर्मा जी, कमलेश कनौजिया जी, अरुण कुमार पांडे जी, संतोष उपाध्याय जी, सुरेंद्र सिंह जी और पूरी टीम, आप सभी मंच पर आए और आदरणीय पीयूष जी और आदरणीय गोपाल जी, आदरणीय मंगल प्रभात लोधा सर से निवेदन करूंगा आप सभी का पार्टी में स्वागत करें। बोलो भारत माता की वंदे। हमारे नेता आदरणीय गणेश कनकर जी के नेतृत्व में उनका प्रवेश हो रहा है आज, सूर्यकांत शर्मा जी और पूरी टीम का हम स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, आपका स्वागत है। सूर्यकांत जी, मुंबई उपनगर के आदरणीय पालक मंत्री श्री मंगल प्रभात लोधा जी, जिन्होंने इस भव्य प्लेग्राउंड का छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर जो प्लेग्राउंड है उसके निर्माण के लिए फंड्स उपलब्ध करवाए, ऐसे हमारे नेता आदरणीय मंगल प्रभात लोधा जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमें मार्गदर्शन दे। भारत माता की वंदे। महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज को वंदन करते हुए, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वंदन करते हुए आज इस बड़े उपयोगी खेल मैदान के भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सबके नेता, केंद्रीय मंत्री और जो सबके लिए प्रेरणा का काम करते हैं ऐसे आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी, और जिनके कारण उत्तर मुंबई की स्थिति आज बेस्ट पार्लियामेंट और बेस्ट सोसाइटीज ऐसी होने लगी है, ऐसे लोकप्रिय नेता सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री गणेश कनकर जी, यहाँ की लोकप्रिय नगर सेविका तिवाना जी, युवा मोर्चे के बम्बई के अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह जी तिवाना, श्री आरजू सिंह जी, श्री सैलार जी, श्री योगेश वर्मा जी, श्री पवन त्रिपाठी जी, सम्मानित मंच, वक्त आने के ऊपर भगवान राम ने यदि वनवासवास में जाना तय किया तो किसके हाथ में राज्य अयोध्या का सौंपा जाएगा, तो सबसे ज़्यादा आनंद उनको तब हुआ कि जब वो भरत के पास में अपना सौंप के गए और भरत ने भी उनकी खड़ा रख के राज किया। ये राम भरत की जोड़ी आने वाले समय में उत्तर मुंबई को
वाराणसी और गांधीनगर के बाद में भारत के नंबर वन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिठा देगी, ये आज आप मेरे शब्द लिख के रख लीजिए। जो कुछ यहाँ पर कमी है, थोड़े दिनों के बाद में, दो साल के बाद में यदि पीयूसी कभी आपसे समस्या पूछेंगे कि कोई समस्या बताए, तो आप खुद तो धन्यवाद देंगे और दूसरों को कहेंगे तू कोई समस्या बता दे, मेरा तो सब पूरा हो गया। ये इस उत्तर बंबई का भविष्य है, और ये केवल उत्तर बंबई का भविष्य नहीं है, भारत का भविष्य भी है। याद करिए 50 साल पहले, 25 साल पहले, 15 साल पहले तक भारत की क्या स्थिति थी और भारत की क्या स्थिति है। ये भारत की स्थिति का यदि कोई जिम्मेदार है, भारत 10 साल के अंदर जो दुनिया के प्रथम 10 इकोनॉमी में आ गया, भारत आज एक मजबूत ऐसा देश बन गया है जिसे दुनिया सीखती है, तो उसमें जहां कहीं नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व उसका जिम्मेदार है, तो उसमें थोड़ा बहुत हक आप सबका भी है, क्योंकि आपने एक हाथ से माननीय मोदी जी पे विश्वास करके उनको विजयी बनाया। अब जो आने वाला समय है, ये परिवर्तन का समय है, आगे बढ़ने का समय है, जीतने का समय है। स्वामी विवेकानंद जी का सपना कि भारत का विश्व गुरु बनेगा, उसको साकार करने का सपना है। 370 के बाद में, राम जन्मभूमि के बाद में, CAA के बाद में, जब इकोनॉमी खुली हो गई हो, सब कुछ डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, कोई भी कट बीच में नहीं लगता है, लोगों को समस्याएं बताए, लोगों को हल होता है। इसके पहले भी आपके यहाँ पर आमदार, खासदार, नगर सेवक आके गए, इसके पहले भी DPDC फंड हुआ करता था। कभी आपने इतने विकास के कार्य इसके पहले देखे हैं जितने अभी विकास के कार्य होते हैं? यदि माननीय पीयूष गोयल जी से हमको आगे बढ़कर काम कराना है, तो इस बार आपको, पिछली बार जो रिकॉर्ड गोपाल जी ने किया था, गोपाल जी कहते हैं कि मुझे आनंद होगा कि मेरा रिकॉर्ड मैं स्वयं तोड़ूं और पीयूष जी को आप 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीता कर दोगे, पर वो ऐसे ही संभव नहीं होगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारे फोन नंबर है, हर एक के मोबाइल में 100-150 फोन नंबर है, आज से यहाँ जाने के बाद में सबको मोबाइल करिए कि मेरे कहने से इस बार का वोट पीयूष जी को देना है, छुट्टी लेकर बाहर नहीं जाना है। और यदि आपने एक वो जो पिक्चर आई थी चैन, एक आदमी 3 को फोन करे तो 3 से आगे हेल्प करता, तो कौन सी पिक्चर थी तवाना जी? जय हो, जय हो। एक आदमी 3 को मदद करे, वो आगे और 3 को मदद करे, तो हेल्प की चैन बन जाएगी। कि हम सब छोटे पड़ जाएंगे, पीयूष जी उतने बड़े हो जाएंगे। इतना ज्यादा आपको समाधान संस्कार पीयूष जी के कारण मिलेगा, तो अगले आने वाले समय के अंदर पीयूष जी को जिताने के लिए सब कुछ न कुछ प्रयास करें, बलिदान करें, त्याग करें, संपर्क करें। जो काम आपको बताया गया, आपको कहा जाएगा कि आज इस एरिए के अंदर पीयूष जी का दौरा है, तो आप इस बात के लिए चिंता मत कहिए कि पीयूष जी मेरी बिल्डिंग में आके जाइए कि मेरे घर पे आइए। आप पीयूष जी को ये मैसेज करिए, आप यहाँ मत आइए, यहाँ तो हम संभाल लेंगे, आप आगे संभालिए, आगे जाइए। ये यदि पीयूष जी को आपका हाथ मिलेगा, तो पीयूष जी का साथ मिलेगा, तो आने वाले समय में जब मोदी जी को पता पड़ेगा, अभी भी जब मैं इनके साथ में आ रहा था, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, अभी भी जब इनके साथ में आ रहा था, मैं घर से इनके साथ में आने का मुझे सौभाग्य मिला, तो 3 फोन मैंने जो इनके सामने देखे, बाकी फोन तो इन्होंने शायद ज्यादा रिसीव नहीं कर पाए, क्योंकि साथ में डिपार्टमेंट भी चला रहे थे, पार्टी भी चला रहे थे, पर एक मैसेज माननीय मोदी जी का था और दूसरा मैसेज माननीय अमित भाई का था। अब आप ये समझ लीजिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं, किसके साथ में बैठे हैं। ये अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के फ्यूचर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने इलाके के लिए विकास की गंगा बहाने का आपका मौका मिला है। मैं पुनः एक बार आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। केवल दूर से नारे लगाकर, धन्यवाद देकर, हाथ लगाकर ये चुनाव नहीं होगा। इस चुनाव में सबको कुछ न कुछ रोल करना पड़ेगा। बहने भी रोल करे, भाई भी रोल करे, हाई राइज में बैठे वाला, फ्लोर वाला भी रोल करे, और नीचे जो घर में काम करवाती है वो बहन भी मेरी रोल करे, सब रोल करेंगे तो जीवन का आनंद द्विगुणित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माननीय पीयूष जी गोपाल जी से मैं माफी मांगना चाहूंगा कि मुझे भूटान के राजा आज आ रहे हैं, तो उनको लेने के लिए मुझे एयरपोर्ट पे जिम्मेदारी माननीय देवेंद्र जी ने दी है, तो मुझे निकलना पड़ेगा। इस दृष्टता के लिए माफी मांगते हुए पुनः एक बार आप सबने यहाँ पर मिलने का मौका दिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। DPDC का फंड हमें दिया है, इससे क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम सीटिंग, फ्लड लाइट, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, पिकल बॉल, बैडमिंटन, स्केटिंग, ओपन जिम, किड्स प्ले एरिया, वॉकिंग ट्रैक, सीनियर सिटीजन गजेबो, ये सब सुविधाएं आप सभी को इस मैदान में मिलने जा रही है। सभी को मार्गदर्शन दे पीयूष गोयल सर, बोलो भारत माता की वंदे। मेरे परम मित्र और जिनके साथ मैंने लगभग 40 वर्षों तक बहुत छोटी उम्र से साथ में काम किया, अलग अलग तरीके से, मुंबई में हो,
चुनावों में हो, पार्टी में हो, और जिनका लगातार मुझे सानिध्य, आशीर्वाद और प्यार मिला, ऐसे हम सबके लोकप्रिय सांसद माननीय गोपाल शेट्टी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, बहुत ही कर्मठ, जुझारू पर हमेशा हंसते हुए, हर एक परिस्थिति में मैं देखता हूं कि ये एकदम काम भी रहते हैं और एक माहौल को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, ऐसे गणेश खनकर जी, मेरी बड़ी बहन जिन्होंने हम सबको वर्षों तक यहाँ पे हमारी सेवा की, क्षेत्र की सेवा की, माननीय श्रीमती जया सत्ताम सिंह तिवाना जी, मेरे छोटे भाई मुंबई भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष माननीय श्री तजेंद्र सिंह तिवाना जी, और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि तिवाना परिवार का योगदान हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही अहम रहा है, बहुत ही लाजवाब रहा है। और आप देखिए, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद और लगभग पिछले एक महीने से सबको चिंता लगी हुई है कि सत्ताम सिंह जी जल्दी ठीक हों, कैसे हो, स्वस्थ हों, उसके बावजूद ना बहन लता जी ने, ना तजेंद्र ने एक दिन एक मिनट के लिए विश्राम किया। और आगे बढ़ने के पहले मेरा आप सबसे दरख्वास्त है कि गोपाल जी, लता जी, जया जी और मेरे छोटे भाई तजेंद्र के लिए हम सब खड़े होके एक बार इनका साधुवाद करें, इनका धन्यवाद करें। और मंगल जी के लिए अब उनको जाना पड़ा है, क्योंकि इनके कर्मठ प्रयासों से, इनके लगातार नेतृत्व में जो मुझे बताया गया कि ये क्षेत्र किस प्रकार से एक पूरे इलाके को भी खराब करता था, यहाँ पे किस प्रकार की गतिविधियां चलती थी, उस पूरे सुंदर मैदान को जो नया स्वरूप, नया रूप दिया है, उसके लिए मैं समझता हूँ मलाड के हम सब, गोपाल जी, मंगल जी और तिवाना परिवार के ऋणी रहेंगे और आगे भी इसी प्रकार से हम सब मिलके इस क्षेत्र में और विकास के काम तेज गति से हो, इसके लिए कर्तव्य बद रहेंगे। कितने चुनाव संभाले होंगे शायद अनगिनत हो गया होगा, और ये काम मुझे मेरे पिताजी को भी करना था, करना पड़ता था, हर वर्षों तक मैंने भी किया है पार्टी के लिए, मुंबई से लेके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेके केंद्र में, और इस जिम्मेदारी में कितनी मुश्किलें होती है, कितना संभलना पड़ता है, वो समझते हुए मैं समझता हूँ जमनानी जी की बहुत अहम भूमिका रहेगी हम सबको भी संभालने के लिए। माननीय राहुल सिंह जी, वार्ड 47 के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय अरविंद यादव जी, स्टेज और स्टेज के नीचे बैठे सभी महानुभाव, प्रबुद्ध नागरिक, मेरे युवा साथी भाइयों और बहनों, यहाँ का उत्साह, यहाँ का तेज, यहाँ का काम जब मैं देखता हूँ, जब अनुभव करता हूँ, किस प्रकार से माननीय गोपाल जी ने, उनकी पूरी टीम ने आप सबके साथ मिलकर इस पूरे क्षेत्र में एक बदलाव की आंधी हम सब के लिए लगातार 2400 घंटे उपलब्ध रहना, हर छोटी बड़ी समस्या के लिए तत्पर रहना, वो छोटी उम्र में शायद तलवार चलाना
सीखना सीख लिया था माँ जीजाबाई के साथ, और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने घुड़सवारी सीखी और वहां से उन्हें प्रेरणा मिली, उन्हें हिम्मत मिली, उनका हौसला और बुलंद हुआ और आगे चल के शायद पहली बार भारत को अगर किसी ने छोड़ा, भारत में एक साम्राज्य बना, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने दूर दूर तक जाके भारत को जोड़ने का काम किया, भारत को एक स्वर देने का काम किया, भारत का हिम्मत और हौसला बढ़ाने का काम किया। अब इस छत्रपति शिवाजी महाराज प्लेग्राउंड से हमारे ऐसे युवा साथी निकल के कोई ना कोई शायद 2036 में जब भारत में ओलंपिक्स होगा, मैं उम्मीद करूंगा कि कोई ना कोई यहाँ का नौजवान युवा युवती उस ओलंपिक्स के लिए तैयार हो। वो तो अचानक से मुझे 2010 में पार्टी ने निर्देश दिया कि तुम्हें दिल्ली जाना है और कोषाध्यक्ष बन के जाना है और फिर राज्यसभा का 3 बार सदस्य बनाया, ये पार्टी का निर्णय है और हम सब एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अपना अपना जिम्मेदारी निभाते हैं। मैं कृतज्ञ हूं भारतीय जनता पार्टी और आप सबका कि लगभग 14 वर्ष से राज्यसभा में रहने के बाद और 10 वर्ष तक जो मेरे ताकत थी, जो मेरी क्षमता थी, मेरे समझ के अनुसार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच, विजन और एक देश के प्रति अटूट और अटल विश्वास कि भारत विश्व शक्ति बनने जा रही है, उस विश्वास के साथ 10 वर्ष मुझे उन्होंने मौका दिया कि मैं देश की सेवा कर पाऊं। मैंने कोशिश की अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो भारतीय रेल हो, मुंबई की सबर्बन सर्विसेज हो, देश के बिजली की व्यवस्था हो, देश में नवीकरणीय ऊर्जा बड़े रूप में आए। छोटे समय के लिए वित्त विभाग था, तब कोशिश की कि कैसे लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो सके, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि शुरू करने का घोषणा करने का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सौभाग्य मिला। आपसे अनुरोध है कि उत्तर मुंबई में आप मेरे को मुझे आशीर्वाद दें, आप मदद करें कि अच्छे बहुमत से हम इस सीट को जिता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में दे पाए, जिससे मोदी जी का और हिम्मत बने और वो आपकी सेवा और कर सके। भारत माता की जय, महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे हमारे फेडरेशन वाले आपका स्वागत करना चाहते हैं। नीरजा बहन हमारे ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, हमारे एवरशान नगर के राजस्थान सेवा समिति के तरफ से, जितने भी हमारे सामने बैठे हमारे मेहमान गण जो आदरणीय पीयूष जी का स्वागत करना चाहते हैं, तो एक एक करके कृपया मंच पर आए, लेफ्ट साइड से ऊपर आएंगे, राइट साइड से नीचे उतरेंगे। निवासियों से निवेदन करता हूं कि जो जो आए हैं पीयूष जी का सम्मान करने, कृपया करके एक एक ग्रुप एक एक ग्रुप साथ में आइए, बुके जावेद जी जल्दी जल्दी आइए प्लीज, सब सब लोग से निवेदन, इस तरफ से नीचे आइए, इस तरफ से नीचे आइए। राजस्थान सेवा समिति पाम कोर्ट कॉम्प्लेक्स के हमारे रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सारे ग्रुप पाम कोर्ट पाम स्प्रिंग के इंटरफेस हाइट फिर करेंगे। सभी से निवेदन है जिसका सम्मान हो गया कृपया नीचे आ जाइए, कृपया जल्दी जल्दी करेंगे तो कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते, भूमि पूजन बाकी है, कृपया करके जल्दी जल्दी करिए। सभी के लिए नाश्ते की व्यवस्था रखी गई है, नाश्ते पानी की व्यवस्था वहां पर ही मिल रही है, डब्बा आप जहां बैठे रहिए आपको वहीं पे मिलेगा। जिस किसी का भी आइए, पाम कोट पाम स्प्रिंग के रेसिडेंट्स स्वागत कर रहे हैं आदरणीय गोपाल जी का, आदरणीय पीयूष जी का। मेरे फोटो का बंद ले रहे, गणेश जी आप सबका फोटो ले लीजिए, मैं दे दूंगा सबको।
मेरा सभी से निवेदन है कृपया करके जल्दी जल्दी नीचे उतरेंगे, दूसरे को मौका दीजिए। मेरा सभी से निवेदन है दूसरे को मौका दीजिए, कृपया करके नीचे उतरिए। इस मैदान के पूर्ण विकास के लिए भूमि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में और गरीबों के लिए, फुटपाथ वालों के लिए, नौकरी वालों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए और बड़े बड़े बिल्डर लोग इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं, ऑफिसर लोग जो परेशान करते हैं, परमिशन समय पर नहीं मिलता है, ये सारे जो मेरे बुनियादी मुद्दे हैं इसको मैं आने वाले दिनों में और जोर से लड़ूंगा और लोगों को न्याय दिलाऊंगा। क्योंकि अभी मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगा 2 महीने के बाद में, तो लोगों को इसका बड़ा लाभ होगा आने वाले दिनों, वो मैं करूँगा। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि हम सब जब बचपन से प्रेरणा लेते हैं हमारे नेताओं से, उनके विचारों से, और बचपन से ये संस्कार आते हैं कि हम जनता की सेवा करें, ज्वलंत जो विषय होते हैं उसके ऊपर अपने अपने तरीके से उनका समाधान करने का काम करें। मैं समझता हूँ क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या आज तेजेंद्र जी के मेहनत से, गोपाल जी के आशीर्वाद से और मंगल प्रभात लोढ़ा हमारे यहाँ के गार्डियन मिनिस्टर सबने मिलकर जो ये समाधान किया है इतनी बड़ी समस्या का, इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत खुशी का माहौल है। और साथ ही साथ युवा शक्ति खेलकूद से जुड़े स्पोर्ट्स में अपना परचम लहराए, अब तो भारत ओलंपिक्स का भी दावेदार है 2036 में। हम तो उम्मीद करेंगे कि उत्तर मुंबई से भी हमारा प्रतिनिधित्व हमारी कोई छोटी बहन या युवा यहाँ से करे और ओलंपिक्स में भारत का नाम रोशन करे। सर मशहूर गायिका जो है सर अनुराधा जी ने, उन्होंने भी बीजेपी देश में उत्साह और उमंग है, एक विश्वास पैदा हुआ है कि इस बार 10 वर्ष की जो कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने नींव रखी है उसके आधार पर देश में एक विश्वास पैदा हुआ है कि भारत अब विकसित भारत बनेगा। दुनिया की कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती और अच्छे लोग समाज में जिन्होंने अपना नाम बनाया, अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, ऐसे लोग आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। ये हम सबके लिए सम्मान की भी बात है, प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ा आशीर्वाद है और देशवासियों का सौभाग्य है। नमस्कार, थैंक यू, यू आर रियली वंडरफुल, माय बेस्ट विशेस एंड रिगार्ड्स टू टीम इज विद यू सर। पापा को ठीक करना है जल्दी से, थैंक यू। आप आएंगे ना? थैंक यू। आप सभी आए, जितना जरूरी हमारे लिए मंच पर बैठने वाले नेता है उतना ही जरूरी आप सब हो हमारे लिए, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप सब आए
और यहाँ पे शर्मा जी ना कुछ मात्रा में ट्री प्लांटेशन की भी सुविधा की गई है और ये सब टेंटेटिव प्लान है। अगर मीटिंग के बाद अगर आपका यहाँ के रेजिडेंट्स का कुछ भी सजेशन है तो कृपया करके हमें बताएं ताकि हम उसमें चेंजेस कर पाए।